जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है 5 स्टेटों की बताएंगे, जिसमें कि सबसे पहले बताएंगे हिमाचल प्रदेश की, इसके बाद कर्नाटक की, मेघालय की, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की वैकेंसी का वीडियो है ये। इसमें इसी स्टेट के लोग ही देखें क्योंकि यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, असिस्टेंट क्लास 4 ऑन कंट्रैक्ट बेस पे जॉब है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दी जा रही है। नेम ऑफ पोस्ट फिशर फील्ड असिस्टेंट क्लास 4, यानी कि ग्रेड 4 की वैकेंसी है। इसमें वैकेंसी जो निकली हुई है, 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए हैं, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 5 वैकेंसी हैं, बीपीएल के लिए 2 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व 1 वैकेंसी है। इससे ये समझ लो टोटल 16 वैकेंसी हैं और 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइट भी मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और स्पीड ऑन फुट यानी कि वॉकिंग या रनिंग आपकी 16 किलोमीटर 4 घंटे में होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। एक्स सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन है और जिस कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है, SC ST ओबीसी जनरल, उसी में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो रहेगी 18,000 पर मंथ रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। हालांकि इसमें 60% ऑफ सैलरी मिलेगी, 18,000 प्लस DA मिलेगा। तो ये हो गई हिमाचल प्रदेश की, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मेघालय की वैकेंसी का। मेघालय में भी वैकेंसी निकली हुई है जो कि अप्लीकेशन मांगे गए हैं मेघालय की वैकेंसी के लिए। तो देख लेते हैं जो पोस्ट है। सबसे पहले स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी निकली हुई है। तो कई तरह की वैकेंसी है, इसमें आगे भी देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर की 4 वैकेंसी है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की 6 वैकेंसी, ड्राइवर की 3 वैकेंसी है, प्यून की 6 वैकेंसी है, क्लीनर की 1 वैकेंसी, स्वीपर की 1 वैकेंसी, चौकीदार की 1 वैकेंसी है। ये वैकेंसी है जो कि निकली हुई है हिमाचल प्रदेश के। भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब है। तो इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू देख सकते हैं। इसके बाद कर्नाटक की देख लेते हैं। कर्नाटक के बाद सिक्किम और वेस्ट बंगाल की देखेंगे। तो कर्नाटक में जो वैकेंसी निकली हुई है, अप्लीकेशन 7 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 54 पोस्ट निकली हुई है, असिस्टेंट कोर्ट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर। ये कर्नाटक के मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10th पास मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए जो भी कर्नाटक के अप्लाई कर रहे हैं। सैलरी 44,900 से 1,42,000 तक हो सकती है। एज लिमिट एज पर कर्नाटक गवर्नमेंट के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा और एज लिमिट बता दें कि एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन है और वैकेंसी भी रिजर्व है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं और फॉर्म भी ऑनलाइन भरने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी लास्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं जो वेस्ट बंगाल और सिक्किम की वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिक्किम के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, इनकम टैक्स में निकली हुई है। वेस्ट बंगाल में इनकम टैक्स की जो सैलरी रहेगी 46,000 प्लस 9,300 प्लस 34,000 पर मंथ रहेगी, सिर्फ 6 पे कमीशन के अनुसार। टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, 3 तरह की वैकेंसी है। इसमें वैकेंसी जो निकली हुई है ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की 8-18 वैकेंसी है और टैक्स असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी इनकम टैक्स की इंस्पेक्टर की है। तो ये केवल जो स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन है वही अप्लाई कर सकते हैं, एकदम क्लियर दिया हुआ है। इसमें एक्स सर्विसमैन तभी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में खेले हुए हों, जो कि राज्य सरकार जिनको इसमें छूट देती है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो एज मैक्सिमम 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये था वेस्ट बंगाल और सिक्किम का, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर लें, फॉर्म भर लें, नोटिफिकेशन भी देख लें। ये था वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू, जय हिंद।